नमस्कार दोस्तों, आपने हिस्ट्री की बुक्स में तो काफी ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जिनमें राजा का बेटा ही राजा बनता है, वह योग्य हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस कंसेप्ट को नेचर पर लागू किया जाए तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो योग्य होता है वही राजा बनता है, चाहे ये बात जंगल की हो या नीले आसमान की। हम ईगल को किंग ऑफ द स्काई के रूप में तो जानते हैं, लेकिन उसको किंग बनने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्या यह जानते हैं? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम किंग ऑफ द स्काई के बारे में जानते हैं। स्पीसीज ऑफ ईगल। पृथ्वी पर 60 से भी ज्यादा ईगल की स्पीसीज मिलती हैं, उनमें से 24 भारत में पाई जाती हैं। दुनिया में ईगल की ज्यादातर स्पीसीज अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। बाल्ड ईगल, गोल्डन ईगल, हर्फ ईगल, फिलिपाइन ईगल इनमें से कुछ प्रमुख स्पीसीज हैं। ईगल अपना घोंसला चट्टानों और ऊंचे पेड़ों पर बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा वैसा घोंसला नहीं बनाते। इनका घोंसला बहुत बड़ा होता है और अगर उस एरिया में शिकार की कभी कोई कमी ना पड़े तो ये अपने घोंसले को लाइफ टाइम तक चेंज नहीं करते। मेटिंग के बाद फीमेल ईगल जनरली 2 अंडे देती हैं और वह लगभग अगले 40 दिनों तक उन अंडों पर बैठकर उनको गर्म रखती हैं। और इस दौरान मेल ईगल का काम होता है मादा ईगल के लिए भोजन लाना। एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर यह है कि ईगल हमेशा फ्रेश मीट खाते हैं। अब बारी आती है किंग ऑफ द स्काई की खुली हवा में सांस लेने की। लगभग 40 दिनों बाद डिपेंडिंग अपॉन द वेदर मादा ईगल अंडों को सेना स्टार्ट करती हैं और फिर इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। लेकिन पता नहीं ये प्रकृति का कैसा नियम है, जनरली फीमेल ईगल जिस अंडे को पहले सेती है वह बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होता है दूसरे के कंपैरिजन में, और यहाँ से शुरू होता है इनके जीवन का संघर्ष। अब इन दोनों में जो कमजोर है, यदि वह फूड के लिए अपने सिबलिंग से कम्पीट नहीं कर पाया तो वह भूख से मर सकता है। और दोस्तों, इनके लिए इनकी लाइफ की सबसे पहली विंटर बहुत जानलेवा होती है, क्योंकि ब्रिटिश फॉरेस्ट्री कमीशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 60-70% ईगल अपनी लाइफ की पहली विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाते। दोस्तों, आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि ईगल अपने बेबीज को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से बाहर फेंक देते हैं या किसी ऊंची चट्टान से फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हाँ, जब ईगल का बच्चा 10 से 12 वीक का हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको कम भोजन देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस स्टेज में उसने उड़ना सीखना है। अगर उसको भोजन कम मिलेगा तो वह भोजन के लिए घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसके मन में भी अपने पेरेंट्स की तरह उड़ने की जिज्ञासा आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से उनको उड़ता देख रहा है। पहले वे अपने घोंसले से जंप करके पेड़ की दूसरी टहनियों पर छलांग लगाते हैं और धीरे धीरे उड़ना सीख जाते हैं। पहले 6 महीने में ही वो अच्छी तरह उड़ना और शिकार करना सीख जाते हैं। अडल्ट फेज ऑफ ईगल। एक ईगल 4-5 साल में जुवेनाइल से एक अडल्ट ईगल में तब्दील हो जाता है और फिर वो निकलते हैं अपने लाइफ लॉन्ग पार्टनर की तलाश में। जी हाँ, क्योंकि ईगल जनरली एक ही पार्टनर बनाता है, और जब उसकी यह तलाश खत्म हो जाती है तो अपने पेरेंट्स की तरह एक बहुत बड़ा घोंसला बनाते हैं, और फिर अगर शिकार की उस एरिया में कभी कमी ना पड़े तो उस घोंसले को वो जिंदगी भर चेंज नहीं करते। साइज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईगल। एक फुल्ली ग्रोन ईगल लगभग 30 इंच तक लंबा और उसका विंग स्पैन 7 फीट तक हो सकता है, बट साइज और वेट ये जनरली स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी। जैसे ईगल की जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है साउथ निकोबार सरपेंट ईगल का वेट सिर्फ 450 ग्राम ही होता है, और एक स्टेलर सी ईगल 14.75 पाउंड्स यानी कि 6.7 किलोग्राम तक हो सकता है। जब एक फुल्ली ग्रोन ईगल अपने घोंसले से निकलकर खुले आसमान में उड़ान भरता है तो आसमान में उड़ने वाले पक्षी और धरती पर रहने वाले छोटे मैमल्स चौकन्ने हो जाते हैं। ईगल को उसकी तेज तरार आईसाइट से जाना जाता है। वह 2 माइल्स तक बिल्कुल क्लियरली अपने शिकार को देख सकता है, और जब वह डाइव करते हुए अपने शिकार का पीछा करता है तो उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर्स तक हो सकती है। जब कोई शिकार उसकी नजर में आ जाता है तो उसका बच पाना लगभग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके शक्तिशाली और नुकीले पंजे शिकार को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। उसके बाद वह अपने हुक जैसी चोंच से शिकार को नोच नोच कर खा जाता है। वह अपने से बड़े जानवर जैसे डियर, मंकी, फॉक्स और गोट जैसे जानवरों पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वह ज्यादातर छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं, जैसे कि चूहे, फिश, स्नेक आदि। ये फिश को खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जब ईगल ने इंसान के बच्चों को उठाने की कोशिश की हो, लेकिन दोस्तों ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इतने खतरनाक होने के कारण ही तो इनको बर्ड ऑफ द प्रे का टाइटल भी मिला हुआ है, इसलिए तो फूड चेन में ये टॉप पर एग्जिस्ट करते हैं। पृथ्वी पर इंसान को छोड़कर इनका कोई दूसरा प्रेडेटर नहीं है।
जी हाँ, अगर ईगल को किसी से खतरा है तो वो है इंसान। मिथ अबाउट ईगल। लेकिन दोस्तों, आपने काफी मोटिवेशनल वीडियोस में सुना और देखा भी होगा कि ईगल को 40 साल के बाद एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जब उसकी चोंच, पंजे और पंख बड़े हो जाते हैं। उनमें बताया जाता है कि अगर ईगल को आगे जीना है तो उसको अपनी चोंच, पंख और पंजों को तोड़कर दोबारा ग्रो करना होगा, और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो 70 साल तक जीवित रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी और साथ में दुख भी होगा कि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज में होता है, रियलिटी कुछ अलग ही होती है। लेकिन हाँ, अगर ये सुनने से कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जैसे जैसे ईगल की उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे उसके फीदर अपने आप चेंज होते रहते हैं, यह है एक नेचुरल फिनामिना है। लेकिन अगर वाइल्ड एरिया में ईगल के लाइफ स्पैन की बात करें तो यह स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करता है, और यह जनरली 14 से 35 ईयर्स तक होता है, लेकिन कैप्टिविटी में यह जनरली थोड़ा बढ़ जाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ ईगल। ईगल को उसके एटीट्यूड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना के कारण एंशियंट और मॉडर्न वर्ल्ड में अलग ही इंपॉर्टेंस मिली है। ईगल को आप ओल्ड कॉइन्स और पेंटिंग पर आराम से देख सकते हैं। ग्रेट पावर और स्टेमिना के कारण ही 1782 में बाल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेशनल बर्ड बन गया था, जो आज भी है और कॉइन्स पर भी देखने को मिलता है। फिलिपाइन ईगल, जिसको मंकी ईटिंग ईगल के नाम से भी जाना जाता है, यह 1995 से फिलीपीन का नेशनल बर्ड है। दोस्तों, ये थी किंग ऑफ द स्काई के बारे में रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।